मगर ये वजू के तरीके और दूसरी चीज़ एडिया हम से आ जाते जी कोई गल आ वजू करना सिखाने साबा किराम बहते हजरत उस्मान रजी उन्होंने लोगों के मजमे पानी मंगवाते दुनिया में करके विखाते किधरे हजरत तली रजी उन्होंने मंगवाते पढ़ के करके विखाते बे आ अल्लाह के रसूल के तरीके से वजू मैं उन्होंने चो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तारा पढ़ूंगा वो अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी बिशारत का भी जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सलाम ने आ सवाब बयान फरमाए नमाज का एडा दर्जा एडी शान से एडी उची गल फरमाते कि हजरत उस्मान गनी रजी उन्होंने तवज्जा अफरा जै सरासन पानी मंगवाया लोगों के सामने अपने हाथों से तीन बारी पानी पाया सोमा तमजमदा वस्तन सरा फिर मूँह पानी पाया मजमदा किया मजमदा भी कई बंद वेख्या उम्र लंघ जाए इतने पानी पा के सिर दे मजमदा कोई नहीं मूँह पा चंगी तरह हिला इतों तक ले जाना पानी फिर उन्होंने सीटना यह मजमदा आखा कि पानी हलक के अंदर हरकत दौ और घूमे तो बाद सीटना रोजे च नहीं रोदे से कम नहीं करना उत्थे इन्ना किया कि मूँह ले जाओ बाहर सिर जाओ आम हालत मदमदा पानी मूँह पा के खूब उन्होंने हिलाना अच्छी तरह तो फिर सीटना बस तन सरा और नाल फिर नक् च पानी पाया नक् च पानी पा के खिंचना सह नाल इस दिन शाक खिंचना और खिंचन तो बाद फिर बाहर खूब सीटना और हाथ ना भी दो शाया इस दिन शाक खिंचना अंदर न इस दिन सार फिर बाहर झाड़ना और हाथ ना भी सफाई करनी सुम्मा गसला वजह सरासन फिर हजरत उस्मान गनी रजी ने अपना मूँह तीन वारी पोता सुम्मा गसला जदा यमुना मिर्फा के सरासन फिर अपना सज्जा हाथ जरा तीन वारी ये पोता कोनिया तक सुम्मा गसला जदा यूसरा मिर्फा के सरासन फिर खब्बा हाथ जरा तीन वारी कोनी तक सुम्मा मसा बेरा से फिर अपने सिर का मसा किया सुम्मा गसला बे इजला यमुना सरासन फिर पैर का तीन वारी उन्होंने तोता सुम्मा यूसरासन फिर खब्बे सिर का मसा कर लग्या कितनी बेदात है जड़िया लोगों ने आजाद कर किन्न वेख लिया अच्छे पले हाँ वो पूछे भी ये बेवकूफो जो कुछ भी सी अजान सी बिन्ने भी जाली गल बनाई सी भी हजूर अलैहि सलाम का नाँ सुन के अंगूठे चुमो पहला तो अंगूठे चुमना नहीं उत्थे आया बिल्कुल जी रिवायत फिर दौसल अखबार की दर आज दसदा पा तू आलमान आखो यार तुम बरेलवी बने रहो कढ़ के वेखो अंगूठिया का हैगा जिक्र उस भावें जड़िया दो उंगलों सब्बा बातैन ए दो उंगलों इन अंदरले पास्यो इधरों भी नाखना जो लिखा से ना झूठा भी है सब्बा बातैन रिवायत की सी बन की अंगूठे चुमले रख दे और अंगूठिया के बारे जाने हजूर के नाम की मुहब्बत वो पूछे अपने हाथ चुमना हजूर ना मुहब्बत की कोई बंदा अकलदार ना मैनू समझा दे अपने हाथ चुमना रसूला का हाथ जोड़ा वो किमें बन गया और शर्म करो अल्लाह के रसूल सलाम मौजूद होंगे साढ़े सामने आते से आपका दस्ते मुबारक चुमते कई लोगों ने कदम मुबारक चुम लिया कोई घर से बन रही है मेरे तेजे हथ रसूला के हाथ भी चुमते फिर अंगूठिया का जिक्र बिल्कुल बाद के जाल साधा ने बनाया ए दो उंगलों सब बाबा तैन जड़ी है और भी अंदर पास्यों बातन इनू चुम के चलावे मसला कोई तो वजू च भी लू लामा शामी लिखता कि कोहस्तानी ने अपने हाशिए लिखा तो मैं सारा जोर लाया एकामत ही लभ जाए मैं कि जरा तकबीर होंगी ए चुमन फरमाया भी नहीं लभा जिन किसी ने माड़ा चंगा लिखा सिर्फ अजान कि अजान हूँ खुतबा जुम्मा च भी लग पाए कुरान शरीफ का खत्म पढ़िया जा रहा उस भी लग पाए इतने आ मौलाना अमरदास खान ने लिखा आ खुतबा सुनद और कुरान की सलावत तलावत सुनद बिल्कुल एक कम नहीं करना उत्थे तो नमाज हराम है और गल करनी हराम है तुम ये शुरू किया फतवा उन्होंने मेरे को मौजूद है यानी कुछ तो गल बंदे के पले होनी चाहिए किसी आलम ने कही मन कड़त नहीं होना चाहिए तो वजू जरा कर देना बिल्कुल कोई शायद हाथों से पानी लो और अगर अगला ही है तो फिर भी एड्डी तकलीफ करने की लड़ नहीं जो तुम अपने मूँह धो के तारी है ना हथ अल्लाह के रसूल उस तरी ना भी मसा कर दी इस सुनने पर भी अमल कराया करो खा मखा पानी नहीं जाया करना चाहिए तो जो कुछ खुश्क हो गया तो नवा लै लो तो सिर पर हाथ फेर दे जी सिर पर हाथ फेरन के बारे चाहता कि सारे सिर का मसा करते इधर अगों लै जाते फिर लै आते कभी इतों रखे एन लाया इतने रखे पिछले जिदा किसी के वाल इजाजत दे कर लै एडी कोई गल नहीं बे इधरों एनू खराब करने की लोड़ नहीं जिदा किसी ने अपना सैट किया ना मामला कि मेरे वाल बड़े मैं सुरे बनाए इतों एनू लैवे इतने और जिमें इमाम इब्ने हज़म रहमतुल्लाह फरमाते कि औरतों के बारे कई साबार ताबीन मिलते कि मुकदम रास सिर्फ इतने अपने हिस्से अगले तो हाथ फेर लेंदिया सी कोई नंगा नहीं सी करदियां अल्लाह ने सिर्फ सिर ते हाथ ला के पूरा कर लिया तो बिस्मिल्लाह ने वरना ना दीन हुण सुनदे रहो दीन चंगी होवे तां मैनूं फड़ लो अल्लाह का वादा कि मैं अपने दीन च हुण तंग करना
सिर्फ तुहानू शरीफ आदमी बनाना कि साफ सुथरे रहो, तंग नहीं करना चाहते। इस तो मुकदम रास है और इबन उमर रज़ी अल्लाह किया जरा इबन हज़म लिखते थे मुखालिफ कोई भी साहबा नहीं, वो आता मैं मनना कि पूरा करे तो मुस्तहब है वरना जायदे भी। कुरान ने आख्या फंसाऊ बेवजूक, जो बे अगे आवे उ तबीज होंगी, वह सारा नहीं होंगे कुछ हिस्सा। अरबी का कहता कि जो बे अगे लगी है थोड़ा, इस तो कुरान थोड़ा आख्या रसूलों ने पूरा किया तो मुस्तहब अमर। और इबन उमर रज़ी अल्लाह याफूख यह जरा उत्ते ना चोटी फिर फिर मसा की, इस तो कोई तंगी हो वे, कोई टोपी शोपी ली हो वे, पाला लगता हो मसले आंदा पता होना चाहिए कि हाथ सिर से फेरना सी पूरे से फिर गया तद भी थोड़े से फिर गया सही, ए कुछ नहीं करना एक कोई शह नहीं, सिर से हाथ फेरो। सिर से हाथ फेरने बाद रवायतों च आ गया कोई एडिया पक्या नहीं सी कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम सिर से हाथ फेरना कजाल तक पहुँच गया, ए गुद्दी जी ना इतने तक हाथ लै गया। हुण जिहड़े हनफी हज़रात कोई लिखते किताबां कई देवबंदी बौली ने पढ़ी, ये गर्दन का मसा भी ठीक है, गर्दन का मसा बिदत है, यह जरा गर्दन का मसा कोई नबी अला सलाम नहीं किया ना, यह दीन कोई हैगा ये इस्लाम के बिल्कुल एक मन करती गल, कोई बंदा धोन पर हाथ ना फेरा करे, सिर दे मसे का हुक्म और बाद भी चलो सुनने तो कन्न साबित हो गया गर्दन शरदन कोई। तो मौलाना अब्दुल्लाह लखनवी रहमतुल्लाह बड़े आलम 41 साल की उम्र फौज मगर इलम का पहाड़ से तोहफा तो तलबा लिखा फिर मसे रकबा, वो उन्हें वो कच्चिया पक्या लिख के गया यार कोई पता चलता भी गर्दन से भी, मगर आखिर से जाके लिख दिया भाई जेडे साडे आलम आते भी पुठे हाथ ना फिर दोबारा इतों करे ये नहीं मैनू लगा, वो यही सी सिर से हाथ फेरद फेरद इतों तक लै गए कोई गल नहीं भाई वाला तो थले दराक हो गया, आंदा यही लब्बा है जिहड़ा मशायख ने लिखा और साडे मौलवियों ने कि बाद वखरा कन्ना हाथ फेर के फिर हाथ पुठे करके इतने फेरे कतन नहीं आता मेरा एडा वड्डा हनफी आलम आता मजबूरी कोई नहीं कोई भी नहीं असं विखा सकते बेबी कितने हैगा सिर से हाथ फेरद फेरद थोड़ा जहा थान तक कोई लैगा तो यह माड़ा चंगा लभदा है वरना कोई शायद तहकीक दिया बातें तो सिर दे मसे सिर वे नहीं सिर से हाथ फेरो कहना चुंगड़ी फेर लो पिछे फेर दो गर्दन का मसा मुसा कोई नहीं पैर तोते। और बाद हजरत उस्माने गनी रज़ी ने फरमाया किड्डा दर्जा इस नमाज का जी असी बेकदर करके सिर दे मोती अल्लाह ने दिता इस दुनिया अंदर मेराज मोमन का। हजरत उस्माने गनी रज़ी ने फरमाते जिस इस तरह वजू किया सुम्मा काल रायत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जा नहवा वजू हाजा, वाह कैसा मजा आया कि नवी नस्ल खड़ी सी हजरत उस्मान रज़ी ने वजू करके आख्या और जिस तरह मैं तुहाडे सामने वजू किया इस तरह ही मेरी सरकार ने वजू किया, ये अल्लाह के रसूल का वजू है जिहड़ा मैं तुहानू दस्सिया मेरी पैगंबर ने मेरे सामने वजू नहवा वजू हाजा एक उम्मत नूं सिखा रहा जबानी नहीं ना दस करके विखाया पुत्र तुहानू जात आद है कि सही तरीका की और नाल का सुम कार मन तवज्जा नह बबू हाजा सुम युसली रका तैन ला युहद्दिसु नफ्सहु फीहि मा बिशा। फिर हजरत उस्मान रज़ी ने फरमाया और जिन्हें वजू किया हजूर ने वजू किया नाल बाद च फरमाया कि जिन्हें मेरी तरह वजू किया सुम युसली रका तैन फिर दो रकत नमाज पढ़ी भावें नफल पढ़े तो भावें सुनता ही है तो भावें कोई फरदा ही वक्त आ दो रखता उन्हें पढ़िया ला युहद्दिसु नफ्सहु फीहि मा बिशा ऐ वो नमाज है जी इब्राहिम अलैहि सलाम मंगते हैं कैसी नमाज दे मैनू जो नाम नमाज आ फरमाया उन्होंने दोवें रखता अपने आप ना कोई गल नहीं उन्हें की अपना कोई ख्याल नहीं आया कोई बच्चा नहीं फसया कोई कारोबार ध्यान किधरे नहीं गया दो रखता एडा उन्हें पढ़ छड़िया सारी नमाज चला वर रहा गफिरा लहू मत कदम लंबे मुतफक ऐसे वजू ना ऐसी दो रकत का नतीजा है जो सारे पहले गुना जो अल्लाह ने कलम फेरता बख्शा गया जो उन्हें हर उजब से जड़ा जोड़ा तोता नालों नाल ही तौबा की हथ तोते इन हथा ना जो लोगों थप्पड़ मारे लोगों का माल चोरी किया लोगों का मैं सिर्फ हाथ ही धोन दिया या उतो ही तौबा करें